जमुआ थाना क्षेत्र के मेढ़ो चपरखो के बड़केटांड निवासी सातो हाजरा के पत्नी अरुणा देवी ने जमुआ थाने में आवेदन देकर स्थानीय बहादुर हाजरा, नकुल हाजरा और जितेंद्र हाजरा समेत अन्य पर इनके दुकान में लूटपाट, इनके व इनके परिवार के साथ मारपीट व बदसलूकी करने तथा दुकान जलाने का आरोप लगाया है। अपने आवेदन में अरुणा देवी ने कहा है कि इस लॉकडाउन में वह एक दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। बताया कि बहादुर हाजरा ने इनके दुकान में पहुंचकर कुछ खरीदारी की और गाली गलौज करने लगा। जब इन्होंने पैसे की मांग की तो उसने खुद को रंगबाज बताते हुए पैसे देने से इनकार किया। उसके बाद अपने सहयोगियों के साथ इनके और इनके परिवार के साथ बदसलूकी और मारपीट की। इस दौरान महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। बाद में उन लोगों ने इनके दुकान को आग के हवाले कर दिया। घटना से भुक्तभोगी और उसका परिवार आहत है और न्याय की गुहार लगाई है। लेला बचा दिया बप्पा, मार लगा हो तो सही आगे लगा दे का पनिया को हो ना बे पनिया हो बप्पा, ये क्या लगाए दे का हो सोचे दे रहा दे का हो बप्पा, मार रे पनिया पनिया मार रे पनिया माने पनिया सोचे मार रे हो दलिया दलिया हो लेला बचा दिया हो बप्पा, बचा दिया हो ये क्या लगाए दे हो दलिया हो अच्छा, तो मतलब ये और क्या क्या किया यहाँ पर? हाँ, करके गला में पैसा था वो ले गया और पेट्रोल भी कुछ था वो भी जा करके ले गया और वो पेट्रोल था यहीं पर हमारा बोतल में और वही बोतल जा करके छिटा और माचिस मारा। बगल वाला से दारू पी करके मुर्गा खा के आ रहा था और उसी टाइम में सामान लिया हमको और बोला कि पैसा जब मांगे, बोला खाची के पैसा देंगे फिर खाची के पैसा देंगे सारा, तुम नहीं जानते हमारा बाहर है पैसा खाची कर देंगे आग लगा देंगे सब दुकान कैसे आग लगाइएगा। मैं बसंत कुमार, ग्राम बड़कीटाड़, पंचायत मेढ़ो चपरखो, पोस्ट पूर्व बिंदो, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह का निवासी हूँ। जो मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ और मेरी मम्मी के साथ जो श्रीमती अरुणा देवी है उनके साथ भी बहुत गलत बदसलूक किया गया और मेरे दुकान में आग का हवाले दुकान को कर दिया। आग का हवाले करने वाला श्री नकुल हजरा और बहादुर हजरा, पिता स्वर्गीय झंडू हजरा, ये दोनों आपस का भाई।